नमस्कार जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक निकल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अतुल के अनाउंस अतुल जेम कार्गो थ्री व्हीलर लोडिंग ऑटो रिक्शा के बारे में। तो दोस्तों एंड तक आप वहाँ से बना रहेगा चैनल। दोस्तों पहली बार हमारे यहाँ पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास से लगी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल से आपको हर नई नई गाड़ी की अपडेट कुछ इस तरह की समस्या मिलते रहे दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो आप हमें यहाँ पर लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अनंत ऑटो अजमेर पर भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और अतुल की किसी भी गाड़ी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, गाड़ी परचेस करनी हो तो आप सीधा यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ बात कर लेते हैं इसके की के बारे में, तो आपको कुछ तरह की नॉर्मल सिंपल की मिलने वाली है। और साथ साथ बात कर लेते हैं प्राइजिंग की, तो लगभग 3,80,000 रुपये के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइज होने वाली इस अतुल जेम कार्गो की दोस्तों अनंत ऑटोमोबाइल्स पर। और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका फ्रंट व्यू, बिग साइज़ की फ्रंट विंड स्क्रीन देखने को मिलेगी। और उसको क्लीन करने के लिए कंपनी आपको यहाँ पर सिंगल वाइपर्स देने वाली है और डबल आउटसाइड मिरर देने वाली है। अतुल की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, नीचे नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है आपको अतुल का लोगो। हेडलाइट सेटअप की बात की जाए तो हाई बीम और लो बीम हेलोजन बल्ब सेटअप देखने को मिलेगा। नीचे मिल जाती पार्किंग लैंप्स और साइड मिल जाता है इंडिकेटर, वो भी हेलोजन बल्ब के साथ ही मौजूद। मडगार्ड आपको यहाँ पर मिलता है। और सस्पेंशन की यहाँ पर बात की जाए तो आपको यहाँ पर लीडिंग लिंक विथ ड्यूल एक्शन चोक एब्जर्वर टाइप इसका फ्रंट सस्पेंशन मिलता है। टायर की बात की जाए तो 4.50/10 8 पेयर टायर मिल जाते हैं, यानी कि 10 इंच के टायर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका साइड प्रोफाइल्स। दरवाजे पर अतुल की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये कुछ इस तरह का मिरर मिलता है जिससे कि जो बाहर की ताज़ा हवा है वो आप अंदर यहाँ पर ले सकें। यहाँ से इसे खोल करके हैंडल बार मिलता है आपको पकड़ने के लिए और लॉक अनलॉक भी होता है इसका दरवाज़ा, ऐसे की से भी लॉक अनलॉक यहाँ पर कर सकते हैं आप। आइए एक बार चलते हैं अंदर की तरफ। और दोस्तों यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से ऊपर करके अंदर से आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। और इसके अलावा एक और सेफ्टी दी गई यहाँ पर, जिस तरह का लॉक भी लगाया गया है जिससे कि दोनों लॉक आप यहाँ पर कर सकें। और ये मिलती है इसकी ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी और ये इसका ड्राइवर बैक सपोर्ट। ये आपको जेक मिलते हैं जो कि कंपनी आपको गाड़ी डिलीवर करते समय देने वाली है। आपको यहाँ पर बैटरी मिल जाती है एमरॉन की और हैंडल बार स्टीयरिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे। अतुल की ब्रांडिंग मिल जाती है और नाइट मोड के लिए एलईडी रूफ लाइट ऊपर देख पाएंगे। और ड्राइवर सीटिंग के जस्ट नीचे आपको मिलती है इसका स्पेयर व्हील और ये आपको यहाँ पर विंडो मिलती है जिसमें कि जो आपको कार्गो है वहाँ पर आप अपनी निगाह बनाए रख सकें। 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गेयरबॉक्स सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलेगा। अतुल की ब्रांडिंग मिलती है, हाई बीम लो बीम कंट्रोल्स, सेल्फ स्टार्ट के कंट्रोल्स, इंडिकेटर कंट्रोल्स और हॉर्न्स के कंट्रोल्स आपको हैंडल बार में ही देखने को मिलेंगे। डीसी लीवर, आरसी लीवर, स्टॉप लीवर देखने को मिलेगा। और ये मिलते हैं इसके पार्किंग ब्रेक्स, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ नीचे मिल जाता है स्पेयर व्हील, ये आपको डिस्प्ले विंडो मिल जाती है और एक लोकेबल ग्लो बॉक्स मिलता है। हेजार्ड कंट्रोल्स, हेलिजनोड कंट्रोल्स और वाइपर्स कंट्रोल्स आपको डैशबोर्ड में ही देखने को मिलेंगे। एक बार करते हैं की ऑन और देखेंगे इसका इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। 0 से 80 की स्पीड, लेकिन 60 की स्पीड इसकी मैक्सिमम रहने वाली है। अतुल की ब्रांडिंग मिलती है, फ्यूल लेवल गेज और भी कई सारे वार्निंग लैंप्स आपको इसके क्लस्टर में देखने को मिलेगी। थोड़ा स्पेस आपको इसमें ग्लो बॉक्स में मिल जाता है और कंपनी आपको एक यूएसबी पोर्ट चार्ज सिस्टम देने वाले हैं। केबल लगाकर अपना जो मोबाइल है उसे आप यहाँ पर चार्ज कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी जो बात इसमें है वो ये है कि इसमें आपको बिल्कुल सादा इंजन यहाँ पर इसमें कार्गो में मिलने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर आसान लोड्स के लिए कंपनी आपको यहाँ पर हुक्स भी ऑफर कर रही हैं। ग्राफिक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ग्राफिक्स मिल जाती है इसकी बॉडी पर आपको यहाँ पर। पीछे की बात की जाए पीछे आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेगा और आगे भी आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम ही देखने को मिलेगा। इस तरह की क्लैरेंस मिल जाती है और यहाँ पर आपको डालना है सिर्फ आरओ का सादा पानी, जिसकी डिस्प्ले आपको अंदर मिल लगी हुई क्लस्टर के पास मिल जाएगी। रियर सस्पेंशन यहाँ पर बात की जाए तो आपको रबर स्प्रिंग टाइप ड्यूल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर टाइप आपको इसके रियर सस्पेंशन मिल जाएगा और मोनोकोक चेसिस मिलता है आपको इसमें। कार्गो डायमेंशन यहाँ पर बात की जाए दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 6 फीट मिल जाती है और चौड़ाई इसकी 5 फीट मिल जाती है, जिसमें कि आप
500 kg तक लोड लेके जा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी लंबी चौड़ी आपको इसके अंदर इसकी बॉडी मिलती है और देख सकते हो ऊपर एक झाल लगाया गया दोस्तों। ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये बाहर से आपको मिलेगा। और इसकी लागत की बात की जाए तो 10 से 15 हज़ार रुपये इसकी लागत आती है दोस्तों। बाहर से जो इसका पूरा झाल बना गया है कंपनी तरफ से कुछ इस तरह का सिर्फ ये आता है। और ये जो झाल लगा हुआ ये अलग से लगता है दोस्तों, जिसकी कीमत मैंने बता दी दोस्तों 10 से 15 हज़ार के बीच में इसका खर्चा आता है पूरा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। तो यहाँ पर इसकी लंबाई होने वाली है 2930 mm, चौड़ाई होने वाली है 1450 mm और ऊंचाई होने वाली है 1830 mm। व्हील बेस की यहाँ पर बात की जाए तो 1925 mm का इसका व्हील बेस मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 240 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। 420 kg इसका कर्व वेट है और 995 kg इसका ग्रॉस वेट रहने वाला है दोस्तों। कंस्टेंट मैस गियरबॉक्स मिलता है आपको, वो भी मल्टी वे टाइप क्लच के साथ में। मोनोक चीज़ इसके अंदर आता है दोस्तों। और दोस्तों 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में पैसा जमा कराकर आप इसे अपना बना सकते हैं और इसे घर लेके जा सकते हैं दोस्तों अतुल कार्गो को। माइलेज की यहाँ पर बात की जाए तो कंपनी आपको यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर माइलेज के इसमें दावा करती हैं दोस्तों। और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका रेयर प्रोफाइल्स। डाला पर इसके अतुल की ब्रांडिंग मिल जाती हैं। इधर आपको अतुल जेम की ग्राफिक देखने मिलेगी। टेलीमोड की बात की जाए तो आपको यहाँ पर पीछे स्टॉप लैम्प, पार्किंग लैम्प और एंडगेट लैम्प मिलेगी, वो भी हेलोजन बल्ब के साथ ही। नंबर प्लेट की मिल जाती है। और इंजन की सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं ग्रिल्स लगाई गई हैं, यहाँ पर इसका फ्यूल फिल करवा पाएंगे। फ्यूल टैंक क्षमता की यहाँ पर बात की जाए तो 10.5 लीटर की कैपेसिटी में आपको यहाँ पर इसका डीजल टैंक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों 595 cc का 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड डीजल इंजन, जो 9.5 HP की पावर व 23.6 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ये जनरेट करता है। ये 4-स्पीड फॉरवर्ड व 1 रिवर्स गियरबॉक्स सिस्टम के साथ आता है दोस्तों। माइलेज मैंने बता दिया दोस्तों 30 से 35 किलोमीटर इसके अंदर माइलेज आपको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी जो बात दोस्तों मैं अभी कहना चाह रहा हूँ, सादा इंजन आपको इसके अंदर मिलता है, जो कि हर लोग अभी देखना चाहते हैं सादा इंजन, वही आपको इसके अंदर मिलने वाला है दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है। और दोस्तों एक चीज़ और, आप इसे रस्सी से भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये अतुल जेम कार्गो 3-व्हीलर 2024 का लेटेस्ट वेरिएंट, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर माई ऑल फ्रेंड्स।